नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हम लोगों की जो किस्मत है, हम लोगों का जो भाग्य है, वो कहाँ पे सोया पड़ा हुआ है और उस भाग्य को जगाने का क्या तरीका है? क्या हम लोग खुद से इस तरीके का काम जो है कर सकते हैं? क्या हम लोग स्वयं से इस चीज को जान सकते हैं? तो उसमें हमारे आपको ये सलाह होगी, हाँ काफी हद तक आप जो है उस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जो भाग्य है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो आपको नाम के लिए हो, शोहरत के लिए हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो या अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए, इन सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में आप अपने भाग्य का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज इन आपके भाग्य को बढ़ाने में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। मित्रों, दो चीजें होती हैं अंक ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में, एक होती है भाग्यांक, एक होता है मूलांक। जो मुद्दे की बात अभी हम लोग कर रहे हैं मेन, तो मूलांक जो होता है बेसिकली और भाग्यांक जो होता है, वो दोनों अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, तो वहां पे भी दो चीजें होती हैं, होने के लिए तो कई चीजें होती हैं, लेकिन जो हम लोग वैदिक ज्योतिष, जो भारतीय ज्योतिष है जिसको हम लोग मानते हैं, भारतीय ज्योतिष में बहुत सारी शाखाएं हैं, उन ज्योतिष के हिसाब से दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। वो होता है एक आपका लग्न, दूसरी जो चीज होती है वो मायने रखती है, वो होता है आपकी राशि। तो ये दो चीजें भारतीय ज्योतिष में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जो दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, वो होता है एक मूलांक और दूसरी चीज जो होती है वो होता है भाग्यांक। मित्रों, मूलांक जो होता है वो आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका व्यक्तित्व तो कैसा है, सीधी बात है उसमें। मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा मूलांक अगर एक है, तो वो ये बताता है कि मेरी जो मूल प्रकृति है, मूलांक मतलब मेरी मूल प्रकृति, मेरी मूल प्रकृति क्या है। इसी तरीके से भाग्यांक जो मेरा होगा, वो ये बताएगा कि मेरे जीवन में जो सफलता है वो कहाँ पे है, और उस सफलता में कौन से लोग, मेरी बात को एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट, कि मेरी सफलता में कौन से जो लोग हैं वो उपयोगी होंगे यहां पे आप। और ये भी चीज आपको इंडिकेट करती है कि कौन से लोग जो होंगे मेरी सफलता में बाधक बनेंगे या मेरी सफलता में थोड़ी मोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब ये जो चीज है, हम लोग न्यूमरोलॉजी केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं? तो मित्रों, मूलांक पे मेरे वीडियो हैं, हर मूल अंक वालों के लिए हैं, उसमें काफी सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा मेरे बारे में राय भी आती है, उन सब लोगों का बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद। और सबकी एक जो चीज होती है हमेशा कहना कि आप जो है थोड़ा अलग टाइप से बताते हैं, जो कोई नहीं बताता आप बता देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे इस चीज को, इस पैटर्न को भाग्यांक में भी हम चालू रखेंगे। तो यहाँ भाग्यांक में हम आपको वो चीज बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए, भाग्यांक होता क्या है, भाग्यांक क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 19 अक्टूबर 1982, मतलब 19th अक्टूबर 1982। तो अब 19th अक्टूबर 1982 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उसको अगर टोटल करेंगे तो आपका भाग्यांक निकल आएगा। अब देखिए भाग्यांक कैसे निकलेगा, 19th का मतलब हुआ 1 + 9 + 1 + 0 + 1 + 9, फिर +8 + 2। तो ये जब सारे नंबर हैं, इनको लिख लीजिए, इनको टोटल कर लीजिए,
तो जब इनको टोटल करेंगे तो फिर आपको दो नंबर प्राप्त होगा, फिर उसको टोटल करेंगे तो एक नंबर प्राप्त होगा, सिंगल डिजिट। जब सिंगल डिजिट मिल जाएगी तो वही जो डिजिट होगी वही हम लोगों का भाग्यांक होगा। अब इस केस में जिनका 19th अक्टूबर 1932 है डेट ऑफ बर्थ, उनके लिए भाग्यांक क्या होगा? उनका भाग्यांक होगा चार नंबर। चार नंबर भाग्यांक जो है 19th अक्टूबर 1982 वाले का है, क्योंकि जो लास्ट में डिजिट आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही? चार मिल रही, फोर। तो अब आपका अगर फोर नंबर भाग्यांक आ गया तो आपका जो दिशा होगी कौन सी होगी सफलता की? आपके जो सपोर्टिंग वो होगा, प्लेस जो होगा वो कौन होगा? वो होगा, क्योंकि चार नंबर आपका निकलता है तो राहु आ गया। अब राहु ग्रह की दिशा क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। तो अब दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो ये इंडिकेट कर रही है, आपका जो भाग्यांक है वो ये कह रहा है, आपसे चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब दक्षिण पश्चिम दिशा में आप एफर्ट करिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रयास करिए, वहां से कुछ शुरुआत करिए, तब आपकी तरक्की होगी। जैसे अगर आपका चार नंबर आया, ठीक है, साउथ वेस्ट में आपको सफलताएं मिलनी शुरू होंगी। आपकी जो चाबी है किस्मत की वो वही है, शुरुआत जो होगी आपके जीवन में सफलता की साउथ वेस्ट से ही होगी, शुरुआती सफलताएं आपको वहीं से मिलना शुरू होंगी। और यहाँ पे एक चीज और बता दें, आप उसके बाद ये नहीं जीवन भर साउथ वेस्ट में ही रहिए, कहीं आपको जाना नहीं है दुनिया में, नहीं, आप हर जगह जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी साउथ वेस्ट वाले जो लोग मिलेंगे वो आपको सफलता में सहयोग करेंगे। इसी तरह जब आप साउथ वेस्ट में रहेंगे तो वहां पे जो लोग रहेंगे, वहां का जो एनवायरमेंट रहेगा वो आपको निश्चित रूप से सफलता आसानी से दिलवा देगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी जब आप आ जाएंगे तो भी आपको वहां के जो लोग हैं, वहां के जो कनेक्शंस हैं, वहां के जो आपके मित्र हैं या मित्र नहीं भी हैं, वहां का कोई व्यक्ति अगर दूसरा भी नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है आपके आसपास में, निश्चित रूप से वो आपको सहयोग करेगा, वो आपको हेल्पफुल कर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका भाग्य का सहयोगी है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी है। और दूसरी बात यह है कि उस जगह पे भी जहां आप रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उस जगह पे भी नॉर्थ ईस्ट में भी आप क्या कर सकते हैं कि वहां का जो साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है वहां पे आप रहिए, फिर जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहां के साउथ वेस्ट में रहिए, जिस आप शहर में रह रहे हैं वहां के आप साउथ वेस्ट में चले जाइए रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक सिस्टम है, ये न्यूमरोलॉजी का एक सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर हाँ, लेकिन आपका शुरुआत जो है, आपका इनिशिएशन जो है, सफलता मिलने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं होगी उसी दिशा में। सफलता मिलने की प्रक्रिया में जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है वो होता है पत्नियों का भी। और हम लोग सामान्यतः भारत में जब शुरुआत करते हैं जीवन का, उसी समय हम लोगों का शादी विवाह का मामला भी हो जाता है, जब हम लोगों को सफलता की तलाश होती है। तो क्या होता है कि इसमें एक चीज आप बहुत गौर करिएगा, और अपने आसपास के लोगों की, मित्रों की, जिनकी भी आप डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, सबका बैठ के निकालिएगा एक दिन, देखिए। तो क्या है कि जो लोग आपके चार नंबर के हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो उन लोगों का जो उनकी पत्नियां हैं सामान्यतः वो वही होंगी दक्षिण पश्चिम से, जो उनको सहयोग करती होंगी, जिनकी वजह से उनके जीवन में तरक्की आई होगी। अगर ऐसी किसी की चार नंबर वाले की पत्नी है तो निश्चित रूप से वो उसी क्षेत्र की होगी। और ये भी आप बहुत सारे जितने आपके जानने वाले हैं, भाई बंधु मित्र यार, जिनकी भी आप डेटा पढ़े उन पर सब पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, थोड़ा मेहनत किया करिए, तो उससे क्या होता है कि चीजें कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और है कि जो आपका क्षेत्र है जहां पे भाग्यांक है वहां ये बताता है कि आपको जो चाबी है सफलता की वो आपकी वहीं पड़ी हुई है। तो आपको एक बार उस चाबी को तो लेना ही पड़ेगा,
दरवाजा खोल दीजिए, फिर सफलता आने लगी, फिर आप चाहे जहां जाइए। हाँ, इस चीज का बराबर ध्यान रखिए कि ये दिशा हमारी है वो फेवरेबल है, और इस दिशा के जो लोग हैं, इस दिशा से संबंधित कोई अगर कार्यक्रम है, कोई काम है, कोई चीज है, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए मददगार होगी और हमको उस चीज में जल्दी सफलता मिल जाएगी उस प्रोजेक्ट में, बजाय कि जो हम अपोजिट दिशा वाला जो अगर कोई काम करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।